जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम, वेलकम टू कंप्यूटर पाठशाला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर कैसे बना पाओगे रूलिंग नोटबुक। तो दोस्तों ये बनाना बहुत ही आसान है, तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे और देखते हैं कैसे बना सकते हैं हम लोग रूलिंग नोटबुक। तो आपको जाना है स्टार्ट पर और यहाँ पर सर्च करना है विन वर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर आ रहा है कर्सर, कर्सर यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब है ऊपर से और इधर से इतना मार्जिन छोड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका मार्जिन करेंगे जीरो। तो उसके लिए आपको जाना है पेज लेआउट में और आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ टॉप को कर देना है जीरो, फिर बॉटम को भी कर देना है जीरो, फिर लेफ्ट को भी कर देते हैं जीरो और राइट को भी कर देते हैं जीरो। उसके बाद आपको कर देना है ओके। तो कर्सर देखिए यहाँ पे आ चुका है, यानी कि अब इसका मार्जिन बिल्कुल ही जीरो हो चुका है। तो आप थोड़ा सा एंटर दबाओगे और कर्सर को थोड़ा नीचे लाओगे, उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट में और यहाँ पे आपको मिलेगा टेबल। टेबल में जाना है और यहाँ पे सिर्फ एक वन वाला लेना है। तो वन जैसे आप लोगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से आएगा। अगर हम चाहते हैं कि इसका थोड़ा साइज बड़ा हो जाए तो वो करने के लिए आप इसका साइज बड़ा भी कर सकते हो। लेआउट में आपको जाना है, यहाँ से आप इसका जितना भी हाइट बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। मैं चाहता हूँ ये ब्लू कलर में रहे ना कि ब्लैक में। तो आप क्या करोगे उसके लिए, आपको है डिजाइन में और यहाँ से आपको बॉर्डर में जाकर के इसका कलर चेंज करना है। बॉर्डर एंड सेटिंग पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कलर का। तो आपको जो भी कलर रखना है आप रख सकते हो, जैसे मैंने ये वाला लिया। अब जैसे ओके करोगे ये इस तरह का बन जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको टैब दबाते जाना है। आप टैब दबाते जाइए और ये इस तरह से आता जाएगा। अगर आपको और भी लाना है तो आप और भी बढ़ा सकते हो, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए था, एक एक्स्ट्रा आ गया, तो आप इसको हटा भी सकते हो। आपको यहाँ पे इरेजर का भी ऑप्शन मिलेगा, इरेजर पे क्लिक करके आप जैसे इस पे क्लिक करोगे ये हट जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया है, अब हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं यहाँ पे रेड लाइन आए डबल लाइन। तो उसके लिए आपको जाना है इंसर्ट में और यहाँ पे आपको मिलेगा सैप्स। सैप में आपको लेना है रेक्टेंगल वाला और यहाँ से आपको ऊपर से स्क्रोल करना है नीचे तक, थोड़ा बाहर तक कर लेते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा कम करते हैं, ये बहुत ज्यादा है, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, इतना कर लिए। अब हमें चाहिए रेड कलर में, ये ब्लैक में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसे करेंगे रेड। उसको रेड करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मेट में ऑप्शन मिलेगा स्नैप आउटलाइन का, स्नैप आउटलाइन में जाना है और यहाँ पे इसको कर देना है रेड। तो दोस्तों अब हम इसे करेंगे बैक, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है ऊपर ऊपर। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है टेक्स्ट वॉलपेपर पे और यहाँ पे इसको कर देना है बिहाइंड टेक्स्ट। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे ये इसके पीछे चला जाएगा। तो दोस्तों अब हम चाहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ रहे डेट एंड टाइम, तो उसके लिए आपको फिर से जाना है इंसर्ट में और यहाँ पे आपको मिलेगा स्नैप। आप यहाँ पे ये वाला आप ले लो और इस तरह से आप इसको ड्रैग कर सकते हो। मैं चाहता हूँ ये भी रेड कलर में रहे, तो इसको भी मैं यहाँ से कर लूंगा रेड। अब मैं चाहता हूँ उस पे लिखने के लिए, तो आप इस पे करोगे राइट क्लिक और यहाँ पे करोगे ऐड टेक्स्ट। तो आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, जैसे कि डेट। इसके बाद जब मैं एंटर मारूंगा तो ये नीचे आ गया और ये दिखाई नहीं दे रहा कहाँ पे चला गया। तो अब मैं लिखूंगा तो ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस में लिखा रहा है, इसमें आ नहीं रहा है। तो आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट कर लोगे इस तरह से। उसके बाद आपको जाना है होम में और यहाँ से इसके लाइन को, स्पेसिंग को कम करना है। रिमूव स्पेस आफ्टर जैसे आप करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा, उसके बाद ये डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। अब आप यहाँ पे आराम से लिख पाओगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम। अब मैं चाहता हूँ इसको साइज थोड़ा कम करूँ क्योंकि ये इसमें आ नहीं रहा है। तो फिर से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसका साइज करूंगा कम, ये थोड़ा आगे होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ ये रेड कलर पे रहे, तो मैं इसे भी सेलेक्ट करूंगा और इसे भी कर दूंगा रेड। तो दोस्तों इस तरह से बना सकते हो आप रूलिंग नोटबुक। दोस्तों इस तरह के वीडियोज में हमेशा बनाता रहता हूँ। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।